हाल ही में आपने सुना होगा कि घाटी में या कहे कश्मीर में धारा 144 लगा दी गई है। इतना ही नहीं, हजारों की संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया गया है और तो और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। लेकिन आखिर होती क्या है धारा 144 और क्यों लगाई गई कश्मीर में धारा 144, चलिए समझते हैं। क्या है धारा 144? ये CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आती है। इस धारा के तहत 5 या इससे ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। जिस जगह ये धारा लागू की जाती है वहां हथियारों के लाने और ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है। बाहर घूमने पर, यातायात पर और इंटरनेट के उपयोग तक पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये धारा 2 महीने के लिए लगाई जाती है, लेकिन स्थिति नहीं संभलने पर 6 महीने तक लागू की जा सकती है। क्यों लगाई जाती है धारा 144? शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है ये धारा। दंगा, लूटपाट, आगजनी, हिंसा, मारपीट जैसी विशेष परिस्थितियों में इसे लागू किया जाता है। किसी विशेष थाने या तहसील में भी तनावपूर्ण स्थिति में लगाई जाती है। कौन देता है आदेश धारा 144 लगाने के लिए? जिला मजिस्ट्रेट पहले एक नोटिफिकेशन जारी करता है। नोटिफिकेशन जारी होते ही तनावपूर्ण इलाके में लागू कर दी जाती है यह धारा। उल्लंघन करने पर क्या होता है? धारा 107 या धारा 151 के तहत 1 से 3 साल तक की हो सकती है सजा। ये एक जमानती अपराध है। बेल बॉन्ड भरने के बाद आरोपी हो सकता है रिहा। धारा 144 और कर्फ्यू में क्या अंतर है? कर्फ्यू लगने के बाद एक विशेष समय तक ही लोगों को घर में रहना होता है। धारा 144 पूरे इलाके के लिए होती है, वहीं कर्फ्यू एक विशिष्ट समूह और आम जनता के लिए होता है। कर्फ्यू लगाने से पहले धारा 144 लगाई जाती है। कर्फ्यू के वक्त घर से निकलने के लिए आपको स्थानीय पुलिस से इजाजत लेनी पड़ती है। कर्फ्यू लगने के बाद सिर्फ परीक्षार्थियों, विवाह समारोह, शव यात्रा या धार्मिक उत्सव पर रोक नहीं है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी अधिकारी के अनुमति के अनशन या प्रदर्शन नहीं कर सकता। तेज आवाज में पटाखे बजाना या बेचने पर भी रोक होती है। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर, DJ बजाने पर भी रोक लगाई जाती है। परीक्षा केंद्रों से 200 गज की दूरी तक 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।